भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। सोमवार की सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। इस मौके पर मंदिरों में भव्य तैयारी की गई है। फिरोजाबाद जनपद के सुकवाद में मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर परिसरों में भगवान कृष्ण की लीला मनोहर प्रस्तुति देखने को मिल रही है। सुबह से ही घरों में मंदिरों में कृष्ण भजन गाए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी का उत्साह चरम पर है। पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। कृष्ण मंदिर सज चुके हैं और कान्हा के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मान्यता है कि दिन की भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुआ था, इसीलिए पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाता है। बता दें कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस हिसाब में 30 अगस्त को लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल भारत ही नहीं जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। देखिए फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौरा सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया गया है हर जगह पर। काफी दिनों से महोत्सव बंद थे, प्रशासन का आदेश था, तो जिससे कि भक्तगणों की जो फरमाइश होती थी उसके बावजूद हम लोग कोई आयोजन नहीं कर पाए। अभी प्रशासन से कुछ छूट मिली तो ये कृष्ण जन्म महोत्सव या पुत्रोत्सव भगवान श्री कृष्ण का आज बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और ये मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज, काफी प्राचीन मंदिर है, 1903 का है। यहाँ पर जो आज आयोजन किया जा रहा है, आप सब लोगों की विनती, प्रार्थना और आप लोगों का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, इस पर्व का, इस तरह का जो समय है बहुत देर में आता है, कभी कभी आता है। अभी रोहिणी नक्षत्र, वही रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, और अष्टमी दोनों एक ही साथ मनाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा दो दो दिन महोत्सव हुआ करता था, परंतु अब की बार